मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल जाने के बाद सरपंचों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपने वित्तीय अधिकार वापस दिए जाने की मांग की है। सरपंचों का कहना है कि यदि उनको अधिकार वापस न मिले तो हजारों की संख्या में सचिव और सरपंच राजधानी भोपाल में जुटेंगे। सोमवार को बड़ी संख्या में सरपंच कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन से पहले नवग्रह मेला मैदान पर धरना भी दिया। धरने के बाद सरपंचों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार उन्हें अधिकार वापस दिया जाए। प्रदेश में पंचायत चुनाव के निर्देश होते ही पंचायतों के संचालन पर शिवराज सरकार द्वारा प्रधान प्रशासनिक समिति संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें 6 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत के कार्य का प्रधान प्रशासनिक को सौंप दिया था और सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों के अधिकार दिए थे, लेकिन आदेश के 3 दिन के बाद ही फैसले को वापस ले लिया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरपंचों की मांगों को लेकर किया है, थोड़ी ऊंची आवाज़ सरपंचों की मांगों को लेकर किया है बुलंद। सरकार ने 4 तारीख को एसीसी महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया था। चुनाव निरस्त होने के कारण ग्राम पंचायतों को अधिकार वापस दिए थे सरपंचों ने। उसके बाद 5 तारीख को सरकार के कोई ऐसे निर्णय के कारण एसीएस महोदय के द्वारा पुनः 5/1 को वापस आदेश जारी हुआ कि सरपंचों को अधिकार से निरस्त किया गया। इस कारण से ये ज्ञापन दिया है और आगामी हमारी तैयारी है भोपाल की विधानसभा घेराव की तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राणा, सरपंच संगठन धम्बा के अध्यक्ष। या तो चुनाव कराओ या हमारे अधिकार वापस दो। मीडिया में पहले से आ रहा है कि पूर्व सरपंच, जबकि हमारे चुनाव ही नहीं हुए हैं तो पूर्व कैसे? हम वर्तमान हैं और जब तक चुनाव नहीं होते वहाँ तक हम सरपंच हैं और रहेंगे। क्या मांगे क्या है आप? मांग हमारी ये है कि आपने 4 तारीख को सरकार ने हमें प्रधान अब्लिक सचिव के साथ पंचायत की सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए जो आदेश दिया था 24 घंटे में उसको कैंसिल करके स्थगित किया, तो ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। इसलिए अन्याय कर रही है कि हम 24 घंटे गांव में रहते हैं, हमारे सचिव 11 बजे पंचायत में जाते हैं और 5 बजे घर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तो 9-10 बजे रात तक गांव में काम करना पड़ता है और जनता की मांगे समस्याओं का हल करना पड़ता है। सुबह 7 बजे सो के उठे फिर समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमें घर बैठना पड़ता है। ऐसे में हमारे अधिकार समाप्त कर दिए सरकार ने। ऐसी स्थिति में जनता भी परेशान है और जनता के जो अंतिम व्यक्ति तक जो स्वच्छता से लेकर बिजली पानी सारी समस्याओं का जो समस्या है वो जिसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमें पुनः अधिकार दिया जाए सरपंचों को, प्रधान को और सचिव के साथ। इस मांग के लिए हम सारे अगर समस्या हल नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? यदि समस्या अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम यहाँ खरगोन जिले में 650 के आसपास सरपंच है, इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 के ऊपर सरपंच है और 23,000 महिला सरपंच है, उसमें से 11,000-12,000 महिला है और 12,000 सरपंच जेंट्स है, इसी के साथ 23,000 उप सरपंच भी। इस प्रकार हम 46,000 सरपंच और मिलकर सरपंच उप सरपंच भोपाल में धरना देंगे। जब तक हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती वहां तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर बर्डे, जिला संयोजक सरपंच संघ खरगोन, साथ में हमारे परशुराम जी यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।